हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्वाति वर्मा कैप्टन फन। और जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि मैं पार्ट टू लेकर आऊंगी और आपको बताऊंगी कि गवर्नमेंट कॉलेज में लोग पढ़ना क्यों नहीं चाहते और क्यों पढ़ना चाहिए, एटमॉस्फेयर कैसा है। तो मैं इसकी बेस्ट एग्जांपल मुझे ऐसा लगता है कि मैं हूँ, क्योंकि मैंने खुद गवर्नमेंट कॉलेज से ही पढ़ाई करी है और कैसा कैसा एटमॉस्फेयर है और आज मैं कहाँ पर हूँ उसका नतीजा ही है, एक पार्ट ऑफ माई लाइफ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। तो सबसे पहले तो क्रांति मैम एंड भास्कर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर टाइम देने के लिए और मेरे सब्सक्राइबर्स को एक अच्छी जानकारी देने के लिए आप लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। थैंक यू सो मच मैम एंड सर। और पहला क्वेश्चन मेरा आपसे दोनों लोग से यही है कि आज की जो मानसिकता है लोगों में, बच्चों में खास करके, कि जब इंटर कम्प्लीट होता है उसके बाद जब उनको ग्रेजुएशन करना होता है तो वो कहते हैं यार, जैसे हमारे आसपास है, नेशनल में पढ़ेंगे हम, आईटी में पढ़ेंगे हम, एलयू से करेंगे। यहाँ पे मतलब एक गवर्नमेंट कॉलेज में जाने में लोग हिचकते हैं, तो वो ऐसा क्यों है? मैं इसके बारे में ये कहूँगी, हिचकने का सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की वो रहती है कि बच्चे जो है बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज में सीमित संसाधन में हम लोग रहते हैं, इसलिए एसी और पंखा सब जगह लगा हो, उस तरह से थोड़ी सी कमी आती है। उसके अलावा और कोई भी कमी नहीं होती है गवर्नमेंट कॉलेज में। टीचर्स की क्वालिटी आप जान ही रहे हैं, आप पढ़े हैं यहाँ पर तो, और हम लोग सभी लोग यूपीएससी से सिलेक्टेड होते हैं जी। तो इसलिए उनके क्वालिफिकेशन में या उनकी क्वालिटी में कोई कमी नहीं होती है जी। सर आप कुछ कहना चाहिए? हाँ निश्चित रूप से, देखिए जैसे मैडम ने बताया कि गवर्नमेंट कॉलेज में टीचर्स हाईली क्वालिफाइड होते हैं, सब JRF नेट करके आते हैं, यूपीएससी से उनका सिलेक्शन होता है और बहुत ही अच्छे तरीके से वो पढ़ाते यहाँ पर हैं। हाँ थोड़ा जो बाहरी आउटर ग्लैमर इसको कह सकते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर दे पाते हैं, शायद वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेज में उसकी वो लैग करता है कि हाँ बहुत क्लासरूम हाई फाई नहीं है, एसी नहीं है या फीस बहुत कम है। कभी कभी यही पैमाना होता है ना कि फीस बहुत ज़्यादा है तो बहुत अच्छा है, फीस कम है तो नहीं अच्छा नहीं है, तो उस पैमाने पर हो सकता है हम लोग थोड़ा सा पीछे रहते हों, क्योंकि ये तो एक सरकार की बनाई योजना है। तो यहाँ पर अब जैसे कॉलेज है तो यहाँ पर बहुत न्यूनतम फीस में बच्चे पढ़ते हैं, बिल्कुल मिनिमम फीस में बच्चे पढ़ते हैं और सभी कैटेगरी के बच्चे आते हैं। एक ड्रेस रहती है निर्धारित यहाँ पर, उसी ड्रेस में कि कभी ऐसा ना महसूस हो कि कोई बड़ा है या छोटे परिवार का है। तमाम ऐसे कॉलेज होते हैं जहाँ पर ड्रेस कोड नहीं होता है, तो ये चीज़ें ऐसी हैं गवर्नमेंट कॉलेज की, तो इसलिए इसमें पढ़ना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि टीचर्स की क्वालिटी के साथ में, टीचर्स की क्वालिफिकेशन के साथ में और टीचर्स की एलिजिबिलिटी के साथ में यहाँ पर कोई समझौता नहीं होता है। इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज में इसलिए भी पढ़ना चाहिए क्योंकि यहाँ पर सरकार की जो वेलफेयर स्कीम है वो अक्षरशः लागू होती हैं। अगर स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है, अगर निर्धन छात्रा को कोई मदद करनी है तो भी जो है यहाँ पर पूरी पारदर्शिता के साथ में, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में वो चीज़ें सुविधा मुहैया कराई जाती छात्राओं को हैं। इसके अलावा सरकार के जैसे NCC है, NSS के प्रोग्राम है, रेंजर्स के प्रोग्राम है, ये गवर्नमेंट कॉलेज को प्रायोरिटी होती है, इनको मिलते हैं ये, तो इसलिए जो है गवर्नमेंट कॉलेज में आकर के पढ़ना, मैं तो समझता हूँ गौरव की बात होती है, पढ़ना चाहिए लोगों को। हाँ बाकी तो सभी जगह चल रहे हैं, प्राइवेट में पढ़े कोई नुकसान है, अगर आप पास पेइंग कैपेसिटी है और आप अच्छी फीस दे सकते हैं तो वहाँ भी जाने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारी वैसे भी लिमिटेड सीट होती हैं, अभी काम में हमारे केवल 100 सीट होती हैं, एप्लीकेंट करीब 700-800 आते हैं, तो वैसे भी 600-700 बच्चों को डिसअपॉइंट होना पड़ता है, हम एडमिशन नहीं दे पाते हैं। अभी हाल में हम लोगों ने BBA का भी कोर्स यहाँ पर शुरू किया है, जी हाँ आप नहीं थी, अभी इसी साल से शुरू हुआ है, तो मैडम उसमें है इंचार्ज हैं, तो BBA का कोर्स अभी शुरू हुआ है। इसमें गवर्नमेंट की ऐसी योजना आई है कि बच्चे को गारंटेड जॉब है, जॉब मिलेगा और 3 साल मिला करके बच्चों को 1,05,700 रुपये का गारंटेड स्टाइपेंड मिलना है उसमें, और मिनिमम जिस फीस पे यहाँ BBA हो रहा है इस फीस पे पूरे लखनऊ के किसी भी कॉलेज में BBA नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से है, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे GST अकाउंटिंग का, इसके अलावा यहाँ पर तमाम तरह के MOUs हुए हैं, ये GST अकाउंटिंग पढ़ाना है बच्चों को, कैसे आजकल प्रोफेशनल अकाउंटिंग के क्षेत्र में जा करके अपना वो करियर बना सकते हैं, इस बारे इस प्रकार के ही कोर्सेज शुरू हुए हैं। अभी अभी हम लोगों ने PIBM के साथ में MOU किया है, पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, उनके साथ में हमारा MOU हुआ है, तो इंटरेस्टेड बच्चे जो हैं वो MBA कर सकते हैं हाइब्रिड मोड में। PGDM है वो, एक तरह से PG कोर्स ही है, डिप्लोमा कोर्स, तो वो कोर्स यहाँ कर सकते हैं, वो हाइब्रिड मोड में है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ढंग से कर सकते हैं। तो ये चीजें गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया, इसलिए आई थिंक बच्चों को यहाँ आना चाहिए, करना चाहिए। तो आपने सुना दोस्तों कि
आपने जो चीजें सुनी है मुझे ऐसा नहीं लगता है वो गवर्नमेंट कॉलेज के हिसाब से लग रही होंगी ना, एडवांस गवर्नमेंट कॉलेज में ये सारी व्यवस्थाएं हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी शुरुआत है। 2012 के बाद से बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, यहाँ पे पीजी ब्लॉक भी आ गया है, पीजीडीएम हो गया है, बीबीए के कोर्सेज हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं और एडवांस अकाउंटेंसी के कोर्सेज भी हैं। तो उसके बाद अब मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे यहाँ के जो फैकल्टी मेम्बर्स हैं, अगर कोई बच्चा मेरे थ्रू देख रहा हो वीडियो या जो भी हो, अगर कोई बच्चा यहाँ पे इस फैकल्टी मेम्बर बनना चाहता है कॉलेज में, तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहती है, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, कैसे पेपर्स होते हैं, कैसे यहाँ पर एनरोल होते हैं? इसमें स्वाति मैं बताना चाहूँगी कि जो बच्चे जो है पीजी के बाद में नेट और जेआरएफ करते हैं, और जैसा आप जानते हो कि नेट जो देते हैं उन्हीं में से कुछ परसेंट बच्चे जेआरएफ लेते हैं, उसके बाद वो पीएचडी कोर्स में ज्वाइन करते हैं और फिर यहाँ आने के लिए यूपीएससी जो है निकालती है फॉर्म, जिसमें अब जो है रिटर्न हो गया है, रिटर्न देना होता है उनको, रिटर्न के बाद में रिटर्न क्वालिफाई जो बच्चे करते हैं उनका इंटरव्यू होता है, फिर सिलेक्शन होता है। और जीजीडीसी नाम से ज़्यादातर बच्चे इसको जानते हैं, जो एस्पायरेंट्स हैं अभी जो कर रहे हैं तैयारी, वो लोग इसको जीजीडीसी एग्ज़ाम के नाम से जानते हैं। हाँ, तो यूपीएससी के द्वारा होता है और निकलता रहता है हर साल, अभी लगभग पूरे यूपी भर की एक गणना होती है, कितने पोस्ट क्रिएट हो रहे हैं उसी के साथ डिपेंड करता है। हर बार जो है हर अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग तरीके से आता है, कभी किसी बार 10-20 सीट ही आती हैं, कभी कभी 60 सीट भी आती हैं। जैसे रिटायरमेंट होता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में उसी तरह से सीट जनरेट होती है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये एक शॉर्ट वीडियो एक मैंने आप लोग के लिए बनाया है, कैसे सिलेक्शन करें और गवर्नमेंट कॉलेज कैसे आप ऑप्ट कर सकते हैं अपने करियर में एक अच्छा एडवांस गवर्नमेंट कॉलेज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय जिससे मैंने खुद पढ़ाई करी हुई है। तो ये एक शॉर्ट वीडियो था मेरे। गवर्नमेंट कितना प्रमोट कर रही है जी गवर्नमेंट कॉलेजेस को, इसके लिए एक बात और बताना चाहेंगे कि अभी पिछले सालों में गवर्नमेंट ने इस कॉलेज को 2 करोड़ रुपया दिया था भूसा के नाम से, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसमें काम कंप्यूटर साइंस स्मार्ट क्लास बने, जब आप लोग स्मार्ट क्लास नहीं थे, अब यहाँ पर स्मार्ट क्लास है, टीचर्स स्मार्ट क्लास में जाकर पढ़ाते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, विजिट करा देती हूँ, स्मार्ट क्लास भी बन गए। इसके अलावा अभी गवर्नमेंट की नई योजना आई है पीएम उषा, उसमें भी उम्मीद यह है कि हम लोगों को एक अच्छी बड़ी अमाउंट 4-5 करोड़ के आसपास मिलने की ऐसा यहाँ से डिमांड गई है, तो मिल सकता है। तो और भी डेवलपमेंट के काम होंगे और भी कॉलेज को मॉडर्नाइज करने की, टेक्नोलॉजिकली इसको और प्रॉस्परस करने की कोशिश होगी। तो मेरे ख्याल से लखनऊ में कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं? चार। उन चारों को तो मैंने विजिट नहीं किया है, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से ये बता सकती हूँ कि जिस कॉलेज से मैं पढ़ी हुई हूँ भाई बहुत तरक्की कर गया है 2012 के बाद, तो एकदम ही एडवांस हो गया, और जो सर चीज़ें बता रही है मेरे तो सर के ऊपर से जा रही है। हालांकि स्कीम्स के बारे में सुना हुआ है, तो इसका मतलब ये है गवर्नमेंट काम कर रही है और यहाँ पे काम हो रहा है, दिख रहा है काम, क्लासेस भी एडवांस हो चुकी हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो अगर उपयोगी लगा हो और आप चाहते हैं इस तरह से मैं और वीडियोज लाऊँ, तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में अभी लेती हूँ विराम और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और सर आपका, मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए मेरे चैनल पे, बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत और शुक्रिया मेरे करियर में एक बहुत अच्छा पथ प्रदर्शक बनने के लिए, आप दोनों का बहुत 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 शुक्रिया, क्योंकि आज मैं जहाँ भी बैठी हूँ ना, इन सबका, चाहे वो स्कूल हो कॉलेज हो, सबका बहुत मेरी तरक्की में योगदान रहा है और मैं दिल से बहुत थैंकफुल हूँ। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ इस वीडियो को करती हूँ खत्म। टिल देन लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दिस इज स्वाति वर्मा, कैप्टन फन साइनिंग ऑफ। देखिए बेटियों पर जो मेरी एक कविता है छोटी सी, जेठ की धूप में मसूरी है दून होती हैं, जेठ की धूप में मसूरी है दून होती हैं, माँ का मकसद तो पिता का जुनून होती हैं, और बेटियाँ हैं तो ये दुनिया दुनिया सी है, मन की मन्नत है तो दिल का सुकून होती है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।